वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स कैसे रुकनिया एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। फैक्टराइज यानी कि अजुजाए जरबी मालूम कीजिए। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा भी आएगा आपको और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इवन क्लास 10th में भी आपको ये टॉपिक है तो अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उसमें 1 देखिए, 12x² - 7x + 1। अब इसके स्टूडेंट फैक्टर बनाना है तो देखिए फैक्टर किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका मेथड देखिए स्टूडेंट्स, आखिरी जो डिजिट है इससे एक्स स्क्वायर के पास जो डिजिट होता है उसको इंटू करना मल्टीप्लाई। देखिए 1 × 12 होता है 12x² आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स 12 के फैक्टर निकालना है हमें, क्या क्या आते हैं 12, कौन से पहाड़े में आता है। देखिए 2 × 12 होते हैं, 3 × 12 होते हैं, 6 × 12 ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इनमें से किसी को तो प्लस और माइनस करके ये 7 बना। 2 + 6 = 8 होते हैं, 2 - 6 = 4 होते हैं, 3 + 4 = 7 होते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 4 और 3 को ले लिया ठीक है, एक्स स्क्वायर में दोनों जगह एक्स लगा लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए ये 7x है, एक्स वाला जो टर्म है इससे पहले कौन सा वैल्यू है देखिए माइनस है, तो इनमें से जो बड़ा है उसके साथ उस वैल्यू को लगाना है ठीक है। अभी देखिए -4 में -3 करे तो -7 होगा या प्लस करे तो, देखिए -4 + 3 करता हूं तो 1 होता है, -4 - 3 करता हूं तो -, -, + होते हैं, -4 - 3 - 7 होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस वाले टर्म को ये 7x की जगह रखना है। देखिए 12x² - 4x - 3x + 1 इस तरह से स्टूडेंट अच्छी तरह समझे, ये जो सेकंड स्टेप आया इस तरह से ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से कॉमन निकालना है आपको और यहां से कॉमन निकालना है। देखिए 12x² - 4x दोनों में कॉमन देखिए 4x निकालेंगे, यहां से भी 4 आता है 12 के फैक्टर में, देखिए 4 आया था और इधर भी एक्स है इधर भी ठीक है। अब 12 में अगर 4 बाहर चला गया स्टूडेंट तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4x टोटल बाहर है तो बच जाएगा यहां पर 1 स्टूडेंट। अब देखिए -3x + 1 इन दोनों में कॉमन 1 रहेगा स्टूडेंट ठीक है, तो -1 को कॉमन ला लीजिए, 3x अंदर रहेगा, ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बच जाएगा 1। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आना चाहिए, 3x - 1 - 3x - 1 सेम आ रहे, तो एक मरतबा लिखना है स्टूडेंट्स 3x - 1 ठीक है। अब ये जो बाहर 4x - 1 स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में इतना ही कर दिखा बोला है, यानी कि 2 आपको इसके फैक्टर बनाकर दिखा बोला था, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन लेंगे आपको अच्छी तरह से समझाने समझ में आने के लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन है देखिए 2x² + 7x + 3। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहला काम इस 3 से इस वाले को इंटू करना है, यहां पर 2 है तो 3 × 6 x² ठीक है स्टूडेंट। अब 6 के फैक्टर बनाने हैं, देखिए 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 × 3 = 6 ठीक है, 6 × 6 और क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स इतना ही हो जाएगा ठीक है। अब देखिए 2 + 3 करूंगा तो मैं 5 होंगे और 3 में से 2 निकालूंगा तो 1 बचेगा, 6 + 1 करेंगे तो 7 हो जाएंगे, तो देखिए इसको ले लेंगे 6x - 1x ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके साथ वैल्यू प्लस है तो बड़े वाले के साथ लगाएंगे, 6 में - 1 करे तो 7 आता है या +1 करे तो आता, तो देखिए स्टूडेंट्स +1 करे तो आता। चलिए 2x² + 6x + 1x + 3
ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहां से कॉमन निकालिए और यहां से कॉमन निकाल लीजिए, आंसर खत्म हो जाएगी। 2x² + 6x दोनों में 2x कॉमन रहेगा, क्योंकि 6 के फैक्टर में भी 2 आता है देखिए, और 2 बाहर आ गया, दोनों में का एक x बाहर आ गया, तो बच जाएगा x प्लस यहां से क्या रहेगा देखिए स्टूडेंट्स, 6 में का अगर 2 बाहर गया तो अंदर बचेगा 3। अब देखिए दोनों में कॉमन प्लस 1 रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 तो रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये एक्स प्लस 3 स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन एकदम आंसर एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स। अगर डिफरेंट आ रहे हैं दोनों ब्रैकेट तो आपको फिर एक बार देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक मरतबा लिख लीजिए 3 + x 2x + 1, यहां से हमें स्टूडेंट फैक्टर बन गए। अब इसके आगे आपको चुप मैं बताता हूं, आपको एग्जाम आपका जो सिलेबस है फैक्टर बना बोला इतना ही करना है, फिर भी यहां से एक्स का वैल्यू अगर निकालना है स्टूडेंट तो x + 3 = 0 रख लेना और 2x + 1 = 0 रखना x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर स्क्वायर वाला टर्म है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके सिफर भी दो रहते हैं, तो यहां से x का वैल्यू आएगा -3 और यहां से 2x = -1 x = -1/2, ये x का वैल्यू है, ठीक है। आपको इतना ही करना है, फिर भी आपके लिए मैं आगे के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स। तो चलिए आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक माइनस का कर लेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, जरा माइनस में है, माइनस का एक देख लीजिए, 6x² + 5x - 6। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, बहुत ही इजी है, सिंपल है। देखिए 6 × 6 देखिए -6 है तो -36x², ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 36 के फैक्टर बनाना है हमें, ठीक है। देखिए क्या क्या 36 में कहीं में आएगा, 9 × 4 = 36 होते हैं, ठीक है, और क्या होंगे, ऐसा कभी बड़ा डिजिट मिला तो ऐसा निकाल लीजिए आप 36 के फैक्टर, 2 × 1 = 2, 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हमें फैक्टर बनाना है, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 + 4 हो जाएंगे 13, 9 में अगर मैं 4 निकालूंगा तो 5 आएंगे स्टूडेंट, तो 9x और हो जाएगा 4x स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखिए इसके साथ जो प्लस एक्स 5x के साथ की वैल्यू देखना है आपको, प्लस है तो ये बड़े वाले के साथ लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, 9x में -4x करेंगे तो 5x बचेगा, यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए 6x² + 9x - 4x - 6, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको यहां से कॉमन निकालना है, 6x² + 9x, 9 में अगर 9 के फैक्टर हम देखेंगे तो 3 × 3 आता है, 6 के देखेंगे तो 2 × 3, दोनों में 3 आता है तो 3x बाहर निकालेंगे, यहां पर 2x बचेगा प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां कर जो बचा, क्योंकि 3 बाहर था तो 2 बचा, इसमें का 3 बाहर है तो यहां बचेगा 3 माइनस, देखिए -4x - 6 दोनों में कॉमन, 4x में भी 2 आता है, 6x में भी 2 आता है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -2 को बाहर ला लेंगे, यहां पर बच जाएगा आपका 2x, ठीक है, -(−) + हो जाएगा, 6 में अगर 2 बाहर है तो अंदर बच जाएगा 3। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट आपके एकदम करेक्ट है, = यहां आगे लिख रहा हूं मैं, आप नीचे लिखना है 2x + 3 एक ब्रैकेट बाहर वाला, 3x - 2 ये दूसरा ब्रैकेट, आपका आंसर यहां पर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क दिया गया है, उसको होमवर्क कीजिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टूडेंट्स एक अहम इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि इस सॉल्यूशंस के आप नोट्स बनाएं अच्छे से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार देख लीजिए, समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।